हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा जो 1 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी। 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सरकार का तीसरा बजट सदन में पेश करेंगे। 25 फरवरी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सदन में अपना अभिभाषण देंगे और सरकार के एक साल के कार्यों को सदन में रखेंगे। बजट सत्र की तैयारियों को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बताया कि 25 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण सदन में होना है और 26 फरवरी को विधानसभा में अध्यक्ष का चुनाव होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सहमति से विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाएगा। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की पक्ष और विपक्ष से आग्रह किया है और जनता के हित के मुद्दों को सदन में उठाने की बात कही है। इसमें ऐसा है, हमने विधानसभा परिसर जिस तरह से हर बार बजट सत्र या और भी सत्रों के दौरान सुरक्षा की जांच के लिए सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा चाक चौबंद रहे ये व्यवस्थाएं देखने के लिए हर बार मीटिंग लेते ही हैं। रूटीन की मीटिंग थी, लेकिन इसमें हमने कहा कि इस बार यहाँ ड्यूरिंग द बजट सत्र काफ़ी कंजेशन रहता है, ट्रैफिक है और अंदर पासेज किसको अलाउ हुए हैं वो सारी व्यवस्थाएं देखनी है, तो हमने बैठक की है और उसमें जो जिनका जो जिस तरह का प्रोटोकॉल रहता है किसको पासेज हुए नहीं हुए वो सारा देखना है और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो सुरक्षा की दृष्टि से, और विशेष तौर से जो सारे गेट हैं और विधानसभा का जो परिसर है उसमें सुरक्षा चाक चौबंद हो। मंत्रियों ने, माननीय विधायकों ने, सब लोगों ने, ऑनरेबल CM साहब ने और मुख्यतः ऑनरेबल गवर्नर साहब ने आना है, तो उसको देखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हों उसको हमने समीक्षा की है और सुरक्षा व्यवस्था हम लोग सही रखें ये हमने निर्देश दिए। अभी हमारा 25 से शुरू होकर के 1 अप्रैल तक ये बजट सत्र रहेगा और इसमें 22 सिटिंग्स हमने रखी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार बजट पेश कर रहे हैं और ऐतिहासिक बजट हो, हाँ 6 को बजट पेश होगा, तो उसमें हम अच्छा बजट हो इस प्रदेश के हित में जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 बजट पेश किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यशस्वी मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और हर वर्ग का उन्होंने हर बार विशेष ध्यान रखा है, तो इस लिहाज से हम इसको भी हिस्टोरिक मान रहे हैं, तो इसमें हम पूरी उसमें हैं कि ये बजट सत्र भी नए तरीके का नया ऐतिहासिक। और बीच बीच में जैसे बीइंग ए डिप्टी स्पीकर हमें भी जिम्मेवारी मिली है, पिछली बार भी जब मिली थी तो बजट पेश करने का मौका भी मिला था, तो हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है और जो नियम कायदे यहाँ के हैं माननीय सदन के, इस माननीय हाउस के, वो बने रहें और हाउस जो है वो जिस तरह से संजीदा इस हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पूर्व में भी रहा है उस तरह का हाउस रहे ये हम कल्पना करते हैं। और सत्ता पक्ष को अपना पक्ष रखना है और विपक्ष को अपना रखना है, तो उन सबके पक्ष जनहित में कैसे रखे जाएं, वो उन सबको अपॉर्चुनिटी मिले ये माननीय सदन कोशिश करता है और जो भी आसन पर बैठता है वो कोशिश ये रहती है कि जो इस प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है या जो प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो माननीय हाउस में आए और माननीय सदन के माध्यम से सरकार जो है वो जनता के साथ जस्टिस करे और कल्याणकारी जो राज्य की कल्पना होती है वो हो, ऐसा मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी होगा और 26 के बाद ही और स्थिति के लिए।